अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर हसीब बात कर रहा हूँ। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। ये मेरी स्मॉल स्केल बिजनेस सीरीज में थर्ड वीडियो है, बाकी वीडियोस आपको मेरी साइट पर मिल जाएंगी। ये बेसिकली मैं आप लोगों के लिए बताना चाह रहा हूँ, पर्सनली मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, प्राइवेट ओपीडी कर रहा हूँ, अपना बिजनेस कर रहा हूँ इम्पोर्ट का, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा भी रहा हूँ जो एफसीबी स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक इतनी अच्छी लाइफ गुजार रहा हूँ कि मैं ये कह सकता हूँ, ज़्यादा नहीं अर्न कर रहा लेकिन इतना अर्न कर रहा हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि मुझे पाकिस्तान से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में जितना अर्न कर रहा हूँ, अपने छोटा भाई है, वालदा है, अपू है, उनके साथ मैं खुश हूँ, मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं, अल्लाह का शुक्र तौकल। अब मैं छोटा सा एक बिज़नेस आइडिया उन लोगों को देना चाह रहा हूँ जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, जॉब लोग परेशान है, सीनियर ले घूमने हैं, बच्चों ने बीए किया है, बच्चों ने बीए किया है, एमए किया है बेचारों का। अच्छा, ये काम भी अपने बाहर से पहली शॉप के हवाले से है कि लेट्स सपोज आप अपना काम करना चाह रहे हो छोटे लेवल पे, जिसपे आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे, तो क्या करो कि घर के करीब कोई भी अच्छी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप है, वहाँ पे जाके आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखो। 3 माह लगेंगे, डेली इस तरह करना है कि आपने 3 घंटे देने हैं और 3 माह में आप काम सीख रहे हो। उसके बाद आपने एक शॉप रेंट पे लेनी है, शॉप तकरीबन आपको किसी भी इलाके में घर के करीब 10,000 रेंट पर मिल जाएगी, उसमें आपने ले ली। उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी बिजली का चार्ज है उसको 20,000 रुपये तकरीबन इसमें मिला के दोनों का 10,000 बिजली का, 10,000 रेंट पर का आ गया, 20,000 का खर्चा ही आ गया। उसके बाद आपने उसकी एडवर्टाइजमेंट वगैरह करनी है सोशल मीडिया पे या बैनर लगवा के, 2-3 बैनर लगवाओगे एडवर्टाइजमेंट आपकी हो जाएगी 10,000 उसके लिए, लेट होकर 30,000 हो गया। उसमें जो आप लोगों में कुर्सियाँ मेज लग रही हैं 10,000 उसके लग जाएगा, इन शॉर्ट 40K जो है आपका टोटल इन्वेस्टमेंट आएगी। अब आपने क्या करना है, काम आपने सीखा अर्निंग करनी स्टार्ट करनी है, जो मोबाइल पे पेज है कम से कम आप डेली 500 रुपया अर्न कर लोगे अगर आपको अच्छा काम आता है, और पहले दिन ना भी करो दूसरे तीसरे दिन शुरू हो जाओगे। लेट्स सपोज आप एक दिन में 500 अर्न करते हो तो 30 दिन में छुट्टी ना करो, लगे रहो वीकेंड्स पे भी, तो आप 15,000 पहले मंथ ही निकाल लोगे। पहले मंथ जब 50,000 निकाल लोगे, इसमें आपका टोटल खर्चा कितना आया, 40,000 आया था, 40,000 में 10,000 आपकी कुर्सी में लेकर जो भी था एडवर्टाइजमेंट का था, अगले महीने से क्या होगा कि 20,000 तो आपके लोगे बिल्कुल आपका नहीं आएगा, और ये मिनिमम इनकम है जो 15,000 का। इन शॉर्ट के नेक्स्ट मंथ में आपका जो खर्चा आएगा अगले महीने से वो 20,000 आया करेगा, लेकिन आपका जो ये 500 है अगर आप काम अच्छा करते हो तो ये मल्टीप्लाई करके तकरीबन 2,000 तक भी जा सकता है पर डे में, क्योंकि आपने अच्छी सर्विस देनी है। अगर आप 2,000 एक दिन का कमा रहे हो लेट्स सपोज, ठीक है ना, और महीने में 30 दिन काम करो तो ये कितना बन जाता है, तो आप उसका खुद कैलकुलेशन कर लेनी, कम से कम 50-60,000 आप 2-4 महीने में कमाना शुरू कर दोगे अपने छोटे से बिजनेस से, जिसपे आपकी जैसे अब लर्निंग आई है, और ये 40,000 है। हाँ, 40,000 को कम करना चाहो कम कर सकते हो, ज़्यादा करना चाहो ज़्यादा कर सकते हो, ये छोटा सा एक बिजनेस आइडिया है तो उसको उठाओ जाता है।